नमस्कार दर्शकों, मैं नाजरीन खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि वातावरण में कई प्रकार के बदलाव हमें नजर आते हैं। इसी प्रकार के बदलाव अवकाश में भी देखे जाते हैं, जैसे कि सुपर मून, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार का एक बदलाव हमें नजर आने वाला है 6 जून 2012 को। यह है शुक्र तारे का पारगमन। इसी के बारे में हम अधिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्या इसे देख सकते हैं, और बाकी अधिक जानकारी हम लेने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है संतोष टकले जी को, साइंटिफिक ऑफिसर बीआरसी से। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार, आप में स्वागत है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि खगोल विज्ञान क्या होता है। खगोल विज्ञान यानी हम इंग्लिश में बात करते हैं, इट्स एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बराबर। ये वो शास्त्र है जो आज की मौजूद सभी विज्ञान की शाखाओं का ओरिजिन है। ये जो शास्त्र है इसके थोड़े से यानी बेसिक स्टडी से ही हमको पता चलता है कि ये विश्व, ये सूर्य, पृथ्वी, यहाँ तक कि हम, हमारे जो अस्तित्व की बात है, हम कहाँ से आए, ये सारी जानकारियां हमें खगोल शास्त्र देता है। अच्छा। एक जमाना था जबकि आज से 400 साल ही हम अगर पीछे जाएंगे तो हमको पता नहीं था कि ये सब क्या है, हम कहाँ से आए, पृथ्वी कहाँ से आई, सूर्य कहाँ से आया। इसकी सारी जानकारी जो हमको खगोल शास्त्र देता है, मेरा अहम उद्देश्य यही है कि यह खगोल शास्त्र का प्रसार हो और यह खगोल शास्त्र से हमको बहुत सारी जानकारी मिले। तो यह खगोल शास्त्र हमारी नींव है, हमारे हर विज्ञान के शाखा, जिससे हमको आज की टेक्नोलॉजी फलस्वरूप मिली है। सर, आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है बराबर, और इसी के साथ आप खगोल विज्ञान में भी काफी रुचि रखते हैं। इसी के अंतर्गत आप कई जगहों पर फ्री में खुद के खर्चे से लेक्चर्स देते हैं, किस तरह पॉसिबल हो पाता है? ये सिर्फ एक रुचि के कारण है कि आप चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये लोगों तक पहुंचे? अगर आप मेरे बिजी शेड्यूल की बात कर रही है, जो मैं मेरे बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर हूं और उसके कारण मैं इंस्पेक्शन के तौर पे, जैसे मैं अभी भी यहां जो आया हूं, तो आई एम जस्ट बैक फ्रॉम ओरिसा, तो ये तो इसको तो आप इस तरीके से ही रिलेट कर सकते हैं, टू ईच विल देयर इज वे। मुझे साइंस मतलब जो विज्ञान प्रसार है, और दूसरा जो उसी से रिलेटेड मुद्दा है अंधश्रद्धा निर्मूलन, ये दोनों चीज में बहुत दिलचस्पी है। अच्छा। नेचर से भी बहुत लगाव है। मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बताया कि खगोल शास्त्र आज के हर चीज की नींव है, वो एक एक्सप्लेनेशन है जो हमको हर चीज की बारे में जानकारी दे रहा है। मैं चाहता हूं कि लोगों को साइंस समझे, साइंस लोगों को समझेगा तो साइंस जैसे उनके जीवन में आएगा तो उनको पता चलेगा कि जो भी उनकी अननेसेसरी धारणाएं हैं, जिसको हम अंधश्रद्धा बोल सकते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, तो ये दोनों साथ के काम है जो मुझे पसंद है, विज्ञान प्रसार और अंधश्रद्धा निर्मूलन। और इसी के चलते मैं जितना हो सके उतना वक्त निकालता हूँ, लोगों को ये पसंद भी है, तो यही वजह है। सर, ऐसे कितने लेक्चर्स आप टोटल अब तक ले चुके हैं, और आकाश निरीक्षण जो होता है वो भी किस तरह करते हैं? अब तक पिछले 1.5 साल में ही मैंने ये शुरू किया, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ही मैंने टेलीस्कोप खरीदा, पिछले 1.5 साल में मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, और इसको लेके मैं कार में घूमता रहता हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने तकरीबन 150 लेक्चर्स दिए हैं, और 25,000 बच्चों को मैंने एड्रेस किया है। बच्चे ही नहीं, मैं स्कूल में गया हूँ, यहाँ पे जाके मैंने लेक्चर्स दिए हैं। तो यही पिछले 1.5 साल की हिस्ट्री है इस लेक्चर्स। और आकाश निरीक्षण किस प्रकार किया जाता है? आकाश निरीक्षण की बात करें या इवन ये लेक्चर की बात करें, ये जो मेरे शो रहते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा प्राइमर फेसी पे कि भाई विज्ञान की बात है तो शायद टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होगी, एजुकेटेड लोग ही समझ पाएंगे, बट जबकि ये कनेक्टेड क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि ये जो मेरे 150 लेक्चर हुए हैं और ये आकाश दर्शन के रिलेटेड कार्यक्रम हुए हैं, ये दो हिस्से में बटे रहते हैं। एक है प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर के द्वारा मैं स्लाइड शो से लोगों के साथ संवाद करता हूँ और उनको अपने विश्व की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। दूसरा रिलेटेड हिस्सा है जो रात के आसमान में, उनके आसमान में मैं उनको आसमान की सैर कराता हूँ। उनको मैं बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस यानी तारका समूह, उनको मैं जो सन साइन बोलते हैं राशि, इनका इनके बारे में बताता हूँ, नक्षत्र के बारे में बताता हूँ, बहुत सारी जो खगोलीय घटना होती रहती है उनके बारे में बताता रहता हूँ। और इसके लिए मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी जाके लेक्चर्स लेता हूँ। लेकिन इसके लिए कुछ एज ग्रुप या एज बॉन्ड नहीं है कि इसी वय ग्रुप का या इसी ज्यादा सीनियर सिटीजन ना हो या बच्चा एकदम छोटा ना हो, ऐसे कुछ क्राइटेरिया आपका होता है क्या कि किसी कोई भी आदमी इस चीज का लुत्फ उठा सकता है? नहीं, मतलब जब हम विज्ञान की बात करें तो शायद ये लगना बहुत ही लाजमी है, बट मैं आपको बता दूं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये जो लेक्चर्स है, मैं जैसे कहा कि कॉन्वेंट स्कूल से लेके मराठी मीडियम के स्कूल से लेके ट्राइबल मतलब आदिवासी इलाके में जाके आश्रम स्कूल में भी किए। अच्छा। सबको उतना ही मजा आता है, सब उतना ही एंजॉय करते, एंड एक लेक्चर डिलीवर करने के बाद दूसरा इन्विटेशन जरूर होता है। मतलब ये वजह है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमारे
उत्पत्ति का साधन है, बराबर, मतलब उत्पत्ति की जानकारी है, जो लोगों को सुनने में बड़ा मजा आता है। लोगों को यह सुनने में बहुत मजा आता है कि पृथ्वी कैसे निर्माण हुई, सूर्य कैसे निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं कैसे निर्माण हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि इट इज नाउ माय एक्सपीरियंस कि शायद ये विज्ञान, खगोल विज्ञान की बेसिक समझने के लिए कोई प्रीरिक्विजिट जरूरी नहीं है। आपको वो जो भाषा में डिलीवर हो रहा है वो भाषा समझना जरूरी है, और दिलचस्पी तो आ ही जाती है। हाँ, सही बताया आपने। लेकिन काफ़ी वक्त ऐसे सुनने में आता है कि जहाँ पे हम आकाश निरीक्षण करते हैं वहाँ का आसमान क्लियर होना चाहिए, तो ये क्या फंडा है, मतलब इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर ना, बिकॉज हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, ये जो अर्थ है, हमारी धरणी माता है, इस पे बहुत बड़ा एटमोस्फेयर का लेयर है, बराबर, मतलब हवा का, जिसके आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मालूम है। तो ये जो हवा का बहुत सारा या वातावरण का लेयर है, ये साफ नहीं होगा, जैसे पोल्यूशन के कारण, या फिर बादल है, बारिश का मौसम है, तो जो उसके बाहर बहुत सारे तारे हैं वो तो हम देख ही नहीं पाएंगे, जबकि हमको उनको ही देखना है। बहुत सारी चीजें हैं, तारे हैं, नेबुलास है, तो ये देखने के लिए स्काई क्लियर ही होना चाहिए। बेस्ट क्लाइमेट, मतलब जो कोजागिरी पूनम होती है ना, जैसे आप लोगों को सुनेंगे तो एक पीरियड है जो बोलते हैं कि वो जो, मतलब उस टाइम का जो चांदनी रात होती है वो बहुत ही सुहानी होती है। तो सचमुच आप देखिए कि बारिश के कारण आसमां पूरा साफ हो गया था, पोल्यूशन धुल गया है, क्लाउड्स नहीं है, और फिर आप जाके देखिए, सचमुच बहुत ही लुभावना दृश्य रहता है, और बहुत ज्यादा तारे दिखते हैं। तो ये जो प्रीरिक्विजिट है वो बहुत जरूरी है। बराबर है सर, जब आपने कोजागिरी की बात की है तो तब चांद बहुत अच्छा दिखाई देता है कोजागिरी के दिन, लेकिन इस वक्त जो हमने सुपर मून देखा था वो क्या था? सुपर मून जैसे बताया गया, ये हमारा ही चंद्रमा है। ये चंद्रमा वो है जो हमारे करीब आने के कारण बहुत बड़ा दिखता है। बड़ा दिखाई दिया, बड़ा मतलब कितना बड़ा दिखता है? 14%, यानी 14% बड़ा दिखता है। वो 14% बड़ा दिखने के कारण या करीब आने के कारण 30% ज्यादा रोशनी परावर्तित करता है। अब ये दो है अहम चीजें हैं जो पृथ्वीवासी देख सकते हैं। देखने के बाद उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें आती है। साइंटिफिक टर्म्स में देयर इज नो सुपर मून टर्मिनोलॉजी। ये जो आया है वो गलत फहमी से आया है। उसकी एक बहुत ही अलग टर्मिनोलॉजी है, जो शायद मैं भी अभी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है वो, तो मैं बताना ही नहीं चाहूंगा या मुझे आ नहीं रहा है। बट एक चीज जरूर है कि सुपर मून जो 14% बड़ा दिखता है, 30% ज्यादा रोशनी देता है, ये सुपर मून बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि लगभग, मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 384,000। जब वो थोड़ा दूर जाता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट जिसमें वो घूमता है उसके कारण, तो 410,000 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। अच्छा। जब वो करीब आता है तब वो 351,000 से लेके 54,000 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। ये जो 351,000 या 54,000 की दूरी है, उसमें से कम दूरी रहती है 351,000 की, तभी हमको सुपर मून दिखता है। अच्छा अच्छा, ऐसे और क्या क्या बदलाव होते हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं होती है और आकाश में? ये जो, जैसे मैंने शुरुआत, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, ये जो खगोल या विश्व है या खगोल शास्त्र है, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। अच्छा। इसमें अनगिनत घटनाएं होती रहती है। जैसे सबको मालूम होने वाली एक चीज है, इक्लिप्स, ग्रहण। आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा कभी आप सुने होंगे, जैसे सुपर मून आ गया, फिर कभी आपने सुना होगा कि एक दूसरे के सामने कोई ग्रह या तारे आ जाते हैं। फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक दूसरे को वो ढक देते हैं, जिसको हम पिधान या ऑकल्टेशन कहते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सारे शूटिंग स्टार हमको दिखते हैं, जिसको इंग्लिश में मिटियर शॉवर यानी उल्का वर्षा कहा जाता है। ये सारे बहुत ही विलोभनीय दृश्य है, आपको अगर जानकारी है तो ये फ्री का टाइम पास है। मतलब टेक्निकल जानकारी से ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सबको पसंद है, मालूम नहीं होता है कब होने वाला है। थोड़ी सी जानकारी से आप फुल टाइम एंटरटेनमेंट का एक चैनल खोल सकते हो अपने लिए। अभी एक बहुत अहम चीज है इसमें, एक और फेनोमेना होता है जो इक्लिप्स की तरह है, जिसको हम ट्रांजिट यानी आपने जो बोला पारगमन होता है, यानी अधिक्रमण। मतलब सूरज के ऊपर से कुछ ग्रह जाते हैं या जाते हुए हमको दिखते हैं, जैसे शुक्र का अधिक्रमण होने वाला है 6 जून 2012 में। तो ये बहुत सारी खगोलीय घटना है जो होती ही रहती है। बट इसके अलावा भी नए नए जो विज्ञान के प्रोग्रेस के कारण मालूम हो रही है, जैसे आज की डेट पे हम दूसरे गैलेक्सीज में स्टार बर्थ यानी एक नए तारे की निर्मिति देख सकते हैं, एक तारे को मरता हुआ यानी उसकी मौत देख सकते हैं, और इंटरगैलेक्टिक कोलिजन देख सकते हैं। तो जैसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सचमुच ये ब्रह्मांड बड़ी ही अनोखी और अद्भुत चीज है। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उसमें से आज हम थोड़ी की जानकारी लें। बराबर है सर, जब हम आए शुक्र तारे का परागमन, तो ये पारगमन क्या चीज है और ये कब कब होता है? मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है क्या, इतने पीरियड के बाद वो होता है, ऐसे कुछ है क्या? जहां तक ग्रह तारे
या फिर हम सोलर सिस्टम सूर्यमाला जिसमें हम है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, जो गुरुत्वीय बल से फिक्स हुआ है। इसके बारे में जो नियम बताए गए हैं वो जो केपलर जोहान्स केपलर इन्होंने 3 नियम दिए, तो ये चीजें हैं। अभी ये जो आपने बोला कि कब कब होता है, इसके लिए जवाब था कि ये फिक्स है। तो आजकल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कंप्यूटर इसके कारण इतना ऊपर जा चुका है कि सबको सब मालूम रहता है। जैसे आपने ये पूछा 6 जून 2012 को ये होने वाला, अभी मालूम भी है हमको, ठीक है, हम यहाँ बैठ के उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये अधिक्रमण जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया एक मिनी इक्लिप्स है, शुक्र सूरज के ऊपर से जाता है, बट आप बोलोगे कि जब चंद्रमा जाता है तो पूरी तरह ढक देता है, शुक्र क्यों नहीं ढकता, जबकि एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। शुक्र का जो डायमीटर यानी साइज है, व्यास है, वो है 12,104 किलोमीटर, पृथ्वी का व्यास है 12,750 किलोमीटर, तकरीबन एक ही साइज के बराबर है। चंद्रमा का व्यास है 3,500 तकरीबन 3,500 किलोमीटर। आप सोचोगे 3,500 किलोमीटर की डिस्क सूरज को ढक देती है जिसका व्यास है 13,92,000 मतलब तकरीबन 14,00,000 किलोमीटर, तो ये कैसे होता है? ये होता है क्योंकि डिस्टेंसेस, चंद्रमा हमसे मैंने जैसे बताया औसतम 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है, बट जो शुक्र है वो 5 करोड़ यानी 500,00,000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी आपको समझ सकते हैं कि चंद्रमा पूरी तरह सूरज को ढक देता है, जबकि शुक्र प्लैनेट या शुक्र ग्रह जब सूरज के ऊपर से या अर्थ और सूरज के बीच में आ जाता है, जिसको कंजक्शन यानी अंतर्युति कहते हैं, तो वो जाते हुए आपको दिखेगा, एक छोटा बिंदु दिखेगा, बिंदु दिखेगा बस। अगर मैं साइजेस में या थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करूं ताकि सबको समझ में आए, शुक्र का जो डायमीटर है इन टेक्निकल टर्म्स वो है 59 आर्क सेकंड, मतलब एक मिनट के अराउंड। क्या है एक मिनट में आता हूं उस पर। सूरज का जो डायमीटर है एंगुलर टर्म्स में वो है 1890 आर्क सेकंड, ओके मतलब 30-31 मिनट्स के आ रहा हूं। अभी आप सोचिए कि मुझे जो सुबह में या दोपहर में सूरज दिखता है वो सूरज जो डिस्क है वो डिस्टेंस को आप पकड़ी के इसको मैं 30 मिनट्स बोल रहा हूं या 31 मिनट्स बोल रहा हूं, उसमें से जो एक मिनट है मतलब उसका जो 132 वा हिस्सा है या 131 वा हिस्सा है वो आपका शुक्र है। तो ये जो शुक्र है जो 132 वा हिस्सा है वो देख समझ रहे हैं ना आप, छोटी डिस्क जो सूरज के ऊपर से आपको जाते हुए दिखेगा। अच्छा। तो यही है शुक्र का अधिक्रमण। तो खगोल विज्ञान या फिर और कई वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? हर मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। हाँ। जब तक तो उसका कोई आपको व्यवहारिक उपयोग नहीं दिखेगा तो शायद उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी। ओके टीआरपी बेस्ट है आज सब कुछ तो है, बहुत है, और इसका पहला इस्तेमाल बहुत ही अच्छी चीज के लिए, जैसे मैंने आपको सूरज का व्यास बताया। अभी मैं अगर पूछूं जनरली, जैसे बीच में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशंस लिए थे तो हमने लोगों को पूछा था कि भाई सूरज पृथ्वी से कितना दूरी पे है, हमको एक बार भी सही जवाब नहीं मिला था। अच्छा। और ये किसी को मालूम नहीं था 400 साल पहले। अच्छा। ये 400 साल में ये सब ढूंढा गया इस मौके का फायदा उठा के, जैसे वीनस। अच्छा। ट्रांजिट का पहला इस्तेमाल यही किया गया कि उससे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी फिक्स की गई। अच्छा। दूरी नापने में इसकी मदद हो गई। तो ये पहला यूज है। हाँ। आज की डेट पे रडार फैसिलिटीज वगैरह एग्जिस्ट करती है। हाँ। तो बहुत ही सटीक तरीके से हमको मालूम है कि ये दूरी कितनी है, तकरीबन 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर की है। फिर अभी ये ट्रांजिट्स का हम क्या इस्तेमाल करते हैं या इक्लिप्स का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक्सोसेलर प्लैनेट्स के वातावरण के स्टडी करने के टेक्निक्स एस्टेब्लिश करने के लिए। अभी ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा मैं आसान करके इसको बताना चाहता हूँ। हमारी सोलार सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स है, एक में हम रहते हैं, हर तारे के आसपास में प्लैनेट्स है, उनके ऊपर जो वातावरण है वो डिफाइन करेगा कि वहां पे जीवित कोई भी प्राणी या बैक्टीरिया रह सकते हैं कि नहीं, जीव के लिए वहां सही माहौल है कि नहीं, ये फिक्स करने के लिए वो वातावरण का स्टडी होना बहुत जरूरी है। बहुत दूरी है उनसे हमारी, तो शायद वो फिक्स हो नहीं पा रहा है, तो मतलब पता नहीं कर पा रहे, तो हम टेक्निक्स एस्टेब्लिश करते हैं कि वातावरण से जब कुछ प्रकाश आए तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उससे हमको उस वातावरण के कंटेंट्स का पता चलता है। ये अभी रिसेंट एप्लीकेशन है, 2004 के दरमियान जो ट्रांजिट हुआ था उससे ये हमको फायदा। तीसरा बहुत जरूरी जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ, जैसे साइंस विज्ञान प्रसार की बात कर रहा हूँ, इस विज्ञान प्रसार में सारी ऑर्गेनाइजेशन लगे, नासा से लेके आयुका से लेके हिंदुस्तान में भी विज्ञान प्रसार नाम की एक संस्था है, देन खगोल मंडल है, बहुत सारी छोटी मोटी, मैं स्काई वॉचर्स एसोसिएशन का रायगढ़ का अध्यक्ष हूँ, हम सब जो जुटे हुए हैं विज्ञान प्रसार में, तो ये विज्ञान प्रसार के लिए ये मौके बहुत जरूरी है। ये सारे मौके जो आपने हम खगोलीय घटनाओं की बात की, ये सारे मौके बहुत अहम भूमिका निभाते हैं विज्ञान प्रसार करने के लिए।
तो यही इनके बहुत सारे इस्तेमाल है। सच में बहुत, मतलब अगर वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए तो कितने सारे उपयोग है इसके, कितना सारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सर अधिक जानकारी लेंगे, अब वक्त हो चला है हमारे ब्रेक का। दोस्तों कहीं भी नहीं जाइए, देखते रहिए खास बात नाज़रीन के साथ। हम लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घरात बँकेची ब्रांच, अगं चला मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। काहीतरीच काय खरं घरात ब्रांच कमल आता टीजीएस बीतलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता, कारण आता आपले टीजीएस बी मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, एसएमएस आणि आरटीजीएस एनईएफटी सेवा। अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेंशन। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे खास बात नाज़रीन के साथ और हमारे स्टूडियो में मौजूद है संतोष टकले सर जी। सर हमें 6 जून 2012 में जो शुक्र का पारगमन होने जा रहा है उसी के बारे में और विस्तार में जानकारी बताइए। एक्चुअली हम उस पर अभी तक बात किए ही नहीं, तो शुक्र का जो पारगमन है यानी अधिक्रमण है ये बहुत ही रेयर यानी दुर्मिल घटना है खगोलीय घटना में। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 2000 से लेके आने वाले 4000 तक 6000 साल में सिर्फ 81 बार 81 टाइम्स दिस इज गोइंग टू हैपन। इसके पहले ये हुआ था 2004 में, अभी होने वाला है 2012 में, और इसके बाद होगा 2117 में, और उसके बाद होगा 2125 में। मतलब एक साइकिल फॉलो हो रहा है, 8 साल फिर 105.5 साल फिर 8 साल फिर 121.5 साल। तो ये इस तरीके की घटना है। अभी हम अगर इसके टेक्निकल टर्म्स में इसके साइकिल के बारे में बात करें तो ये एक मिनी इक्लिप्स है। मतलब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पहला कांटेक्ट होता है, मतलब शुक्र का एक सर्कल है, डिस्क है जो सूरज के डिस्क के साथ पहला टच किया, इसको कांटेक्ट वन बोला जाता है। मतलब ये है बाह्य संपर्क जी। दूसरा कांटेक्ट है जिसमें वो अंदर से टच करता है, तो ये है आपका अंतर स्पर्श या अंतर संपर्क। फिर तीसरा कांटेक्ट नहीं डिफाइन करते, बट ये है कि ये जो सूरज के ऊपर से पाथ जा रहा है उसके सेंटर में वो पहुंचेगा। ओके, दैट इज मैक्सिमा। ओके, जिसमें एक टर्म है कि एंगुलर सेपरेशन सूरज और शुक्र के बीच में कम से कम होता है, इस बार वो 554 मतलब 554 आर्क सेकेंड का है। फिर तीसरा कॉन्टेक्ट आएगा जब ये छूटेगा, तो जिसको हम बोलेंगे अंतर्मोक्ष और बाह्य मोक्ष। इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज इसकी इनग्रेस एक्सटीरियर, इनग्रेस इंटीरियर, मैक्सिमा, देन ईग्रेस इंटीरियर और ईग्रेस सुपीरियर है। हिंदुस्तान की या इस 2012 के वेनस ट्रांजिट की अगर हम बात करें जी, तो ये कब होने वाला है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी ये चालू होगा एज पर द वर्ल्ड टाइम, मतलब जागतिक समय के अनुसार ये चालू होगा 22:09 पे, 22:09 इसको यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। तो इसको हम अभी नहीं रखेंगे, हम इसको भारतीय प्रमाण मतलब या समय के अनुसार बात करेंगे तो सुबह 3:40 पे चालू होगा। ओके, मैंने जो दूसरा कॉन्टेक्ट बोला वो उसके हिसाब से शुक्र जो है वो 4 मिनट्स प्रति आवर ये डिस्टेंस के हिसाब से सूरज के ऊपर से जाएगा। अच्छा। ये पूरा इवेंट 6:30 मतलब 6:40 के आसपास चलेगा। इस दरमियान मैंने जैसे बोला कि 3:40 पे चालू होगा और 10:19 पे छूटेगा। 7 के आसपास ये पूरा मतलब जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन पे है तब वहां पे होगा। तो ये सुबह के 7 की बात कर रहे हैं। मैं सुबह के 7 का, तो मतलब यहाँ आपको एक जरूर महसूस होगा कि हम प्रथम दो जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट वन कांटेक्ट टू, जो जब घुसा मतलब शुक्र ने सूर्य के अंदर एंट्री मारा डिस्क के अंदर, वो हम नहीं देख पाएंगे। बट वही अगर हम थोड़ा मैं आपको ईस्टर्न छोर पे लेके जाता हूँ, भारत के पूर्वी सीमा पे लेके जाता हूँ जहाँ पे उड़ीसा है, सपोज मैं आप और मैं भुवनेश्वर में है उस दिन, तो जो सूरज 6:01 पे पनवेल में सूर्योदय होने वाला है वो ओरिसा में 5:07 पे होगा, क्योंकि अर्थ इस तरीके से घूमता है, वो ईस्टर्न साइड है, वहां पे जल्दी सूर्योदय होता है। तो वो लोग इस चीज को थोड़ी ज्यादा देर तक देख पाएंगे, 5 से लेके 10:19 तक देख पाएंगे। मतलब अगर हम उसी तरीके से ईस्टर्न तरफ चलते रहे अपने दुनिया में तो शायद ऐसा मौका आएगा कि हम पहला दूसरा कॉन्टेक्ट भी देख पाएंगे। तो जैसे इसी को बोलते हैं विजिबिलिटी। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि आपको कहां कहां पे कब कब ये शुक्र का अधिक्रमण या पारगमन दिखेगा। आप देख सकते हैं भारत से लेके दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी इलाकों से लेके मिडल ईस्ट तक, यह सब जगह सूर्योदय के समय पारगमन जो है वो चालू रहेगा। जबकि आप हमारे ईस्टर्न मतलब हमारे या दुनिया के ईस्टर्न छोर पे चले जाए तो वहां पे सूर्योदय से
सूर्योदय के बाद वो चालू हो जाएगा और आपको दिखता रहेगा। हाँ। मतलब उस इलाके में जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि सनराइज से लेके पूरा खत्म होने तक हमको वीनस ट्रांजिट दिखेगा। कुछ जगहों पे सूर्योदय जब चालू होगा तभी वहां पे ट्रांजिट चालू रहेगा, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो नीचे वाले हिस्से हैं वहां पे वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, पुर्तगाल स्पेन में ये बिल्कुल नहीं दिख पाएगा। वही अगर हम दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी बात करें तो वहां पे आपको ये 5 तारीख की शाम को दिखेगा, सूर्यास्त के समय ये चलता रहेगा, मतलब उनको कॉन्टैक्ट 3 और 4 नहीं दिख पाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा है विश्लेषण। तो आपको तैयार रहना है सुबह 6:01 पे जब आपका सूरज आएगा तो आपको वहां ट्रांजिट देखने मिलेगा। सर ये मतलब काफी इतनी डीप जानकारी है ना, ये सब जानकारी किस तरह हासिल की, क्या बहुत दिक्कतें आई इसमें और कौन कौन से शास्त्रज्ञों ने इसे इसको हासिल करने में मदद की है? जैसे आपके सवाल का डायरेक्ट उत्तर तो यही है कि जोहान्स केपलर से लेके क्रैबट्री है, हॉरॉक्स है, ऐसे कई लालांडे है, लेजेंटील है, गैसेंडी है, कई शास्त्रज्ञ मतलब जो भी खगोल विज्ञान से रिलेटेड है उन्होंने इस चीज पे संशोधन किया है। तकलीफों की बात करें तो ये विज्ञान जहां आज खड़ा है, जहां मतलब अनबीटेबल पोजीशन पे इंसान इंसानी सभ्यता और ये जो विज्ञान टेक्नोलॉजी खड़ी है वो किसी के मेहनत पे किसी के कुर्बानी पे ही खड़ी है। एक किस्सा बताता हूँ, लेजेंटील नामक एक शास्त्रज्ञ थे, वो निकले तो जरूर 8 साल की समुद्र सफर के बाद, वोयाज के बाद वो पांडिचेरी पहुंचे। ये शायद 17वीं सदी की बात है, 18वीं पहुंचे जरूर, पर पांडिचेरी में उस टाइम पे बारिश हो रही थी तो बादलों के चलते और बारिश के माहौल में वो देख ही नहीं पाए। 8 साल की वो उड़न शिप से सेलिंग करते हुए पहुंचा हुआ आदमी, उसके काफी सहयोगी उसमें मर गए थे, उन्होंने खुद ने अपना घर बार बीबी तक गंवाई, एवरीथिंग ही हैज लॉस्ट, बट उससे काफी चीजें आज सामने आ रही है। तो ये बहुत सारे शास्त्र हैं। जैसे हम हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन बोले तो शायद 1874 के वीनस ट्रांजिट का प्रिडिक्शन वेंकटेश केतकर जी ने किया था। तो वी हैव लॉट कंट्रीब्यूशन, बट पूरे इंसानी सभ्यता की बात करें तो कुछ गिने चुने लोग जिनको हम वैज्ञानिक करते हैं कहते हैं या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, इनका काफी काफी मेहनत रही है ये सब निकाल इन्फॉर्मेशन। सच में बहुत कुछ त्याग के उन्होंने हमारे सामने ये सब जानकारी लाई है। सर इतने पूरे हमने देश भर में की जानकारी दी आपने कि किस तरह देखा जा सकता है, अब हम जरा लोकल लेवल पर आके बताएंगे कि पनवेल वासी किस प्रकार और कब इसका लुत्फ ले सकते हैं। आपने मुझे बुलाया है तो मेरा ये उत्तरदायित्व या ड्यूटी है, आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी एवरीथिंग। मैं पनवेल में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का अध्यक्ष हूँ, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की हमारी टीम ऐसे इवेंट्स के लिए बहुत एक्टिव रहती है। अच्छा। 6 जून की सुबह से जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पते पे आप लोग आ सकते हो और इस चीज का लुत्फ उठा सकते हो। आप एक छोटी चीज कर सकते हो कि हमको एक प्रायर इंटीमेशन देंगे ईमेल या टेलीफोन द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये हमारे लिए। ये तो हो गई आप तक आकर देखने की बात, लेकिन अगर कोई ऐसे भी है जो घर पे रहकर इसका आनंद लेना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैंने जैसे ही बोला कि ये ट्रांजिट पारगमन एक मिनी इक्लिप्स है, इसको देखने के लिए कैसे देखना इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। पहले आएंगे सावधानी पे क्योंकि वो बहुत अहम है। ये सावधानी है कि ये इक्लिप्स है तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही डेंजरस है। इस दरमियान या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके ऊपर जो यूवी या इंफ्रारेड के रेटिना के ऊपर फॉल होके आपका रेटिना परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो पहली अहम सूचना ये है आपको डायरेक्टली ये इवेंट देखना ही नहीं, सूर्य की तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना। अच्छा। दूसरा अहम, अगर आपके घर पे बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप है तो उससे डायरेक्टली बिल्कुल ही नहीं देखना है, मतलब आप अपने आंखों की सुरक्षा के लिए उससे देखेंगे ही नहीं। अच्छा। तो आप बोलेंगे देखेंगे कैसे, देखना है तो आपको जो इक्लिप्स देखने के लिए सिंपल सिंपल तरीके आप इस्तेमाल करते हैं, सोलर फिल्टर के गॉगल्स आते हैं अच्छे क्वालिटी के, उसको इस्तेमाल करो। टेलीस्कोप से या बाइनोक्यूलर से डायरेक्टली देखना है तो उसपे वो फिल्टर लगा के देखो। तीसरा बहुत ही सेफ और सबके लिए लुभावना ऐसा या सब लोग देख सकते हैं ऐसा तरीका, प्रोजेक्शन टेक्निक। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके से आप इमेज को प्रोजेक्ट करके व्हाइट पर्दे के ऊपर इसको देख सकते हैं। इससे आप सबको देखने को, बहुत लोगों को एट ए टाइम देखने को मिलेगा और इसमें एक बहुत जरूरी चीज होगी कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आंखों की सुरक्षा को तकलीफ नहीं होगी। नॉर्मली बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल होते हैं बट जब आप डायरेक्टली सूरज की तरफ फिल्टर से भी देख रहे हो आपको कंटिन्यूअसली नहीं देखना है, आपकी आंखों का ख्याल आपको ही करना है, इसलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ। सर वीनस के अलावा और भी कोई प्लैनेट का ट्रांजिट होता है क्या, या फिर कब हुआ है या होने वाला है? जैसे मैंने बताया शुरुआत में या शायद नहीं,
बुध और शुक्र ये दो ही ग्रह है जिनका ट्रांजिट हमें देखने को मिलता है। अच्छा, शुक्र का बहुत ही रेयर है। वीनस का एक शतक में यानी एक सदी में 13 बार ट्रांजिट होता है, जबकि शुक्र के दो ट्रांजिट के दरमियान एक शतक की दूरी होती है। इसके पहले बुध का ट्रांजिट 2003 और 2006 में शायद हुआ था, और इसके बाद 2016 मई में होगा। तो शुक्र के ये 2012 के ट्रांजिट के बाद हमको 2016 का बुध का ट्रांजिट देखने को मिलेगा। अच्छा सर, जाते जाते आखिर में हमें बताइए कि जो लोग मानते हैं कि एक्लिप्स के कई बुरे परिणाम भी होते हैं या दुष्परिणाम होते हैं, तो इसके भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं क्या? मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं साइंस प्रसार करने वाला और सुपरस्टिशन ऑफ इरेडिकेशन अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करता हूँ। साइंस इस बात को काफी बार ठुकरा चुका है, और मैं भी यहां दोहरा दूं, इक्लिप्स सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनका कोई भी बुरा असर आप जिस तरीके से अंधश्रद्धालु तरीके से लोग मानते हैं वैसा कोई असर नहीं होता। स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडीज को कहा जाता है कि कोई चीज कट नहीं करना या हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखना, पैर के ऊपर पैर नहीं रखना, ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस घर के बुजुर्गों के तरफ से दिए जाते हैं औरतों को, तो क्या सच में ऐसे कुछ होता है क्या? नो, दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, ये सही मायने में अंधश्रद्धा है। इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। आपने जब बात निकाली है तो मैं बोल दूं कि जो हमारे सक्रिय मेंबर है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, इन्होंने काफी बार इक्लिप्स के दरमियान ये सब करके देखा है। अच्छा। मतलब जो वॉलंटियर्स है जब प्रेग्नेंट थे उन्होंने ये करके दिखाया कि उन्होंने ये एक्टिविटी की है और कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज सी ये चीजें रिलेटेड नहीं, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं, लॉजिकल नहीं। तो ये जो इतने बड़े सोलर लूनार इक्लिप्स जो है बड़ी चीज है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये तो मिनी इक्लिप्स है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट एक चीज जरूर कि विज्ञान या ये जो यूनिवर्स है ये ऐसी खगोलीय घटना से हमको नए नए मौके प्रदान करता है जिससे हम ये विश्व को समझ सकते हैं। बराबर है संतोष जी, हमारे स्टूडियो में आए और सच में काफी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक दिन का ये जो भी कुछ प्रोसीजर है एक दिन की है, लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत है। जैसे हमने आपने बताया कि कितने वैज्ञानिक इसके पीछे काम कर रहे हैं, इतनी ढेर सारी जानकारी आप लोग इकट्ठा करके दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा आपको रोक के इधर बोलना चाहूंगा जी, 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 कि आज हम 21वीं सदी में है जी। हम साइंस से, मतलब इवन आपको थोड़ा किचन में कट आ जाए तो भी आप बैंडेड लगाते हो, या फिर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो साइंस के कारण है जी। इसके पहले ये सब नहीं था, नहीं था। आज हम पूरी तरह साइंस के कारण ही यहाँ खड़े हैं। वी आर सेफ सिक्योर लाइफ जो जीते हैं, ऐसे में हमको सारी अंधश्रद्धाओं से दूर रहना चाहिए, विज्ञान को समझना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकल्केट करना चाहिए, और इसलिए आपको जरूर जरूर साइंस को समझने की कोशिश करना चाहिए, ये खगोलीय घटना का लुत्फ उठाना चाहिए। आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो मैं फिर से दर्शकों से और आपसे विनती करूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ये घटना दिखाएंगे और आपको जरूर जानकारी देंगे कि ये घटना होती क्या है। ऐसी कई घटनाएं होती है, तो साइंस समझने के लिए ये मौका हम आपके हमने रख रहे हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते। संतोष जी, मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शक इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को काफ़ी ढेर सारी जानकारी दी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे संतोष जी ने कहा कि एक दिन की ये बात है, लेकिन आप जरूर वक्त निकालिए, इसका लुत्फ उठाइए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस जो सर ने बताए हैं उनका भी ख्याल रखिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा हमें लिखना न भूले, हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है खबरबात चैनल 1, जेके प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। और दोस्तों, अपने दोस्त नाजरीन को दीजिए इजाजत, फिर आऊंगी रात 10:30 बजे लेकर खास बात नाजरीन के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।